पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतापपुरा चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च करते हुए प्रतापपुरा पेट्रोल पंप पुलिस बल के द्वारा रोक दिया गया। पुलिस के संग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई और सीओ सदर एसीएम चतुर्थ द्वारा ज्ञापन पेट्रोल पंप पर ले लिया गया। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में रिक्शा चलाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार के विरुद्ध समस्त कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और लगातार जनता पर जिस तरीके से बाहर डाला जा रहा है वह सरकार नाक आंख बंद कर सरकार को चला रही है। अनुज चौधरी ने कहा कि लगातार क्रूड ऑयल घट रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार आम जरूरत की चीजों पर जैसे साबुन सर्फ खाद्य पदार्थ तेल लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। इसे लेकर जनता में भारी आक्रोश है जिसमें संजीव नगर अनुज चौधरी अनिल शर्मा अनिल विदौलिया आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। अमन गुप्ता आगरा समाचार 24। हाँ अभी ये कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के अगुवाई में इन लोगों ने जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया है उसमें एक ज्ञापन सौंपा गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित। इस ज्ञापन में इन्होंने लिखा है महंगाई के बारे में, इन्होंने और पेट्रोल पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में, डीजल और पेट्रोल से और गैस के बारे में महंगाई से सरकार को केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हमारी मांग है कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, उस समय से मूल्य वृद्धि इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पे पहुंच गई है। सरकार ये कहती थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे लेकिन 200 लोगों को भी ये रोजगार नहीं दे पाई है। किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को रोजगार देंगे, कुटीर उद्योग देंगे, सभी जगह ये लोग विफल हैं। किसानों के काला कानून लाके उन लोगों को भुखमरी के आधार पर लाके खड़ा कर दिया है। गांव से देहात से जो हजारों लोग शहरों में जो काम किया करते थे उन लोगों को भगाने का काम इन लोगों ने किया है। कांग्रेस सरकार ने जितने कल कारखाने जितने उद्योग धंधे जितने रोजगार पैदा किए थे सारे रोजगार इन लोगों ने खत्म कर दिए हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन्होंने बंद कर दिया है। देहात की पोजीशन ये है, आज की तारीख में 1 आदमी कमाने वाला है, 10 आदमी खाने वाले हैं, भुखमरी की स्थिति चल रही है। ये देश हिंदुस्तान हमारा 80% जनता जो हमारी देहात में रहती है, यहाँ से बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही भी पैदा होता है, यहाँ से खाने के लिए अन्न पैदा होता है जो हम दूसरे देशों में देते थे, जो अन्न जिससे यहाँ का संचार। देवेंद्र कुमार चिल्लू अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो प्रदर्शन है हमारा 10 दिन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमें दिया गया है कि 10 दिन लगातार हम महंगाई पेट्रोल डीजल गैस खाद्य पदार्थों के जो दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हम आंदोलन करें। 7 तारीख को, 5, 12 को, फिर 13 को, 14 को, फिर 17 को, ऐसे हमारा ये 17 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये अभियान है। आज देश में आप देख रहे हैं कोरोना काल ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है, लोगों के धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को खाने के पैसे नहीं है, लेकिन ये तानाशाह सरकार, ये अंडानी अंबानी के हाथ में खेलने वाली सरकार इस देश में दिन पर दिन डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, सरसों के तेल के दाम, टोल के दाम, सब्जियों के दाम, तमाम मोबाइलों की जो रेट है इतनी बढ़ा दी गई हैं, घर पे जो हमारे बच्चे टीवी देखते हैं उनके सेटअप बॉक्स का किराया कांग्रेस शासन में जो 150 रुपए हुआ करता था आज 400 रुपए है। पहले हमारी इनकमिंग